अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आई हूँ जद्दा। सफर मेरा है तू ही मेरी मंजिल, तेरे बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल। अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आई हूँ जद्दा मेकअप स्टूडियो। तो ये है मेरी न्यू लुक। तो कैसा लगा आपको मेरा वन कलर और न्यू हेयर कट, क्योंकि पहले मैंने करवाई हाइलाइट्स, उसके बाद बलियाज, तो आज मैंने वन कलर करवाया है। तो मुझे डीएम करके बताइएगा कि वन कलर मुझे कैसा लगा। तो मेरा कलर जो किया है वो है ईशा ने, इनका पेज का जो है, उनका पेज का लिंक मैं मेंशन कर रही हूँ, वहाँ जान जरूर करना, डीएम करें। और जो कुछ भी करवाना है आपने वन कलर बलियाज या हाइलाइट्स, तो वो करेंगे जबरदस्त। देखें अगर अच्छा लगा तो जरूर डीएम कीजिएगा। और उनका यूट्यूब चैनल भी है, क्योंकि ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है उन्होंने, तो उनके जो चैनल का लिंक है वो भी मेंशन कर दूंगी, तो आप देख सकते हैं जाकर। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है जी आप सब? क्या होप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जी आज आपकी आपी कर रही है आप सबके लिए 10K की सेलिब्रेशन। सो थैंक यू वेरी 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 मच मेरे तमाम इंस्टाग्राम फॉलोअर्स का, जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया और मेरे सुकून को इतना ज़्यादा फेमस किया कि हर बच्चे की जुबान पर सुकून। और उसी सुकून की वजह से आज मेरे 10K से भी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। सो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबके इस प्यार का, इस अप्रिसिएशन का। और बस इसी तरह मुझसे प्यार करते रहें और मुझे सपोर्ट करते रहें, और इंशाल्लाह आपके आप इसी तरह मज़े मज़े की स्टोरीज लेकर आती रहेगी। सो यहाँ पर मेरी इंटायर फैमिली मौजूद है और मैं पूरी फैमिली से आपको वन बाई वन मिलवाती हूँ। तो ये केक मेरे तमाम फॉलोअर्स के लिए, उन सब फॉलोअर्स के लिए जिनकी वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँची और मैं ये सेलिब्रेशन कर रही हूँ। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। और यहाँ पर मिलिए जी मोमना से स्पेशल गेस्ट, विद स्पेशल गेस्ट, मेरी हर सेलिब्रेशन का हिस्सा मोमना अली भाई है यहाँ पर। और ये रहे बाबर भाई, आहत भाभी, मेहरमान ने पिंक मैचिंग की हुई है, गुलरेज भी आ गया है ऑर्डर देकर। और यहाँ पर है जी मामा छोटे जयान के साथ। सो ये मेरी कंप्लीट फैमिली है। बाकी जो दो बच्चे हैं वो वहाँ प्लेलैंड में हैं, उधर हैं वहाँ पर भाई। तो अभी हम फ्राइड चिक्स पर आए हैं और हम अपनी सेलिब्रेशन करने लगे हैं। चलो जी मूव टू साहिबा भाभी जी। साहिबा भाभी मेरे लिए कोई लाइन? बिल्कुल, बच्चे सेट हो जाते थे, सेट हो जाते थे, अब हमारी स्टोरी करने लगी है। बिल्कुल सेट हो जाए और खाना खुना खा ले, बढ़िया अच्छी स्टोरी आ जाए, बढ़िया अच्छी पिक्स आ जाए। चले जी अब चलते हैं मोमना की तरफ। जी मोमना आप बताएं, आप कोई लाइन मेरे लिए, आपको मेरी स्टोरी देख के क्या लगता था? सबसे पहले तो आपकी स्कूल की स्टोरी मैं देखती हूँ, बहुत पसंद आती है। थैंक यू। उसके अलावा ये है कि मुझे ना, मतलब जब आपकी स्टोरी देखती थी ना, मेरे मेहंदी का सारा पता चल रहा था क्या क्या हो रहा है यहाँ। ओके। मतलब फोन करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, कॉल करने की, सबसे पता चल रहा था कि ये कर रही है मम्मा। ओके, देखा मेरी पूरी फैमिली कितनी सेटिस्फाइड है, पूछते हैं मामा से। जी मामा आप बताएं। मैं तो ये बताऊंगी, जब भी मेरे खाना बनाना होता था तो इकरा के मामा नु कहो 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 स्टोरी बनानी है।